जस्टिस सबरवाल ने मेरे से कहा कि इतने अटॉर्नी जनरल हमारे पास आए, इतने सॉलिसिटर जनरल आए, किसी ने हमको नहीं बताया कि हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं है, आप पहली बार एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हमको कानून बता रहे हैं। हमने कहा भले किसी ने आपको ना बताया हो, लेकिन जो कानून में है वो तो वही है, और आप इसको रखिए हियरिंग पे, मैं जजमेंट से इस्टेब्लिश करूंगा कि आपका कोई अधिकार नहीं बनता। ये बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर एक फंडामेंटल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटेग्रल पार्ट है, और सरकार चाहती है कि हम अपना ही नाम करें तो आपका कोई उसमें हस्तक्षेप होने का मतलब नहीं है। छोटे शहर अक्सर बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन बड़े शहर में आकर उन सपनों से बड़ा बन जाना बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिप्रा शर्मा और आप देख रहे हैं लॉ स्ट्रीट भारत की खास पेशकश द लेजेंडरी लॉयर्स। आज की कहानी एक ऐसे सीनियर एडवोकेट की जिन्होंने अपने नाम को अपने सपनों से भी बड़ा बना दिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और देश के जाने माने वकील विकास सिंह की कहानी उन्हीं की जुबानी। सुप्रीम कोर्ट में खास करके हम लोग को बहुत करना पड़ता है। हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, आपके पास क्लाइंट आया, वो तो फीस लेके आया, आपको इंगेज करना चाह रहा है, कह रहा है कि मेरा सुप्रीम कोर्ट में SLP डाल दीजिए। आपको ये आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि उस केस में दम है, और दम है तो उसको फाइल कराइए, और अगर दम नहीं है तो उसको बताइए भैया तुम्हारा पैसा वेस्ट होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, ये हाईकोर्ट का जजमेंट सही है। ये एडवाइस जो है ना अपने नुकसान पे है, क्योंकि क्लाइंट आपको फीस भी नहीं देगा तो वापस चला जाएगा, इसलिए इस तरह के एडवाइस देना। और आज जो भी मैं हूँ यही प्रॉबेबली इस तरह का एक जेन्युइन क्लाइंट को बताना, उसी से वर्ड ऑफ माउथ से, क्योंकि हमारे आप एडवर्टाइज तो कर नहीं सकते, इश्तिहार नहीं डाल सकते हम। कहते हैं ना कि कोई भी काम की मंशा अगर ईमानदार हो तो उसका सफल होना तय होता है। देश के जाने माने वकील विकास सिंह का नाम आज कानून की दुनिया में चमकते सितारे की तरह यूं ही नहीं बना, उसके पीछे की ईमानदार मेहनत और कड़ी लगन ने उन्हें आज इस मकाम पर लाकर खड़ा किया है, जहां आज हम ये कह सकते हैं कि इनके जैसा वकील देश में कम है। 19 साल उम्र थी जब लॉ कॉलेज में एडमिशन हुई और 20 साल की उम्र में नौकरी लग गई, तो पिताजी ने कहा कि नौकरी कर लो, वकालत तो कभी भी कर सकते हो, तो बहुत कम उम्र में नौकरी लगी थी तो नौकरी ज्वाइन कर लिया। लेकिन नौकरी में जाने के बाद 7-8 साल रहे 9 साल रहे, 9 साल में वो मज़ा नहीं आया, कहीं ना कहीं अंदर से एक दिल में जो ख्वाहिश थी कि मैं वकील बनूं वो कहीं ना कहीं जागरूक रहा। और 89 में मेरे को याद है तिरुपति में पहली बार गया तो वहीं से प्रेरणा आई कि अब काफ़ी हो गया, वापस अपने कॉलिंग पे जाना चाहिए, और फिर मैं 90 में मैंने रेजिग्नेशन दिया और 90 में वकालत स्टार्ट कर दी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी की शुरुआत, लेकिन फिर अचानक तिरुपति मंदिर के द्वार पर जाकर यह एहसास हुआ कि मंजिल ये नहीं है, तो रास्ता बदला और शुरू कर दी पढ़ाई वकालत की, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ी। डर ये भी था कि इस पेशे में भीड़ बहुत है, लेकिन फिर एक गुरु ज्ञान के पीछे चले और आज जिस मकाम पर है वहाँ उन जैसा कोई नहीं। ना कभी मुश्किल था, ना कभी मुश्किल रहेगा, ना मुश्किल है। मैं जब प्रैक्टिस करने जा रहा था, नौकरी छोड़ने जा रहा था, तो मैंने फैमिली फ्रेंड थे, मतलब हमारे ग्रैंडफादर के फ्रेंड थे लाल नारायण सिन्हा, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, वो पटना में ही सेटल थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं नौकरी छोड़ के वकालत करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है आइए। फिर मैंने कहा कि भीड़ बहुत है हजूर, इस प्रोफेशन में बहुत लोग हैं, और मैं तो 9 साल से नौकरी कर रहा हूँ, बिल्कुल टच के बाहर हूँ, तो मैं अपने आप को स्थापित कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ा देर सोचते रहे, एक मिनट तक करीब सोचा, उनका स्टाइल था ऐसे करके बैठते थे, वो ऐसे करके बैठ सोचते रहे, और उसके बाद बोलते हैं कि भीड़ नीचे है, ऊपर खाली है। नए लॉयर्स के लिए विकास सिंह के पास बहुत सारी बातें हैं। छोटे शहर से दिल्ली तक का सफर, अपने अनुभव को साझा करते हुए विकास जी बताते हैं कि कैसे छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपके सपनों में पंख लगा सकता है, बस लगन सीखने की होनी चाहिए। और मेरे को याद है शुरू के करियर में सिविल सूट वगैरह ड्राफ्ट करने को मेरे को मिला, मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर था, यंग लॉयर था, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी, तो एक क्लर्क था खुराना, उस क्लर्क के साथ बैठ के मैंने सिविल सूट ड्राफ्टिंग के फॉर्मेलिटीज को सीखा, क्या मैंडेटरी पैराज है, और वो बेचारा बहुत ही एक्सपीरियंस लगा था, अनफॉर्चुनेटली मर गया कुछ साल पहले, तो बहुत ही एक इंस्टीट्यूशन था, तो हर से सीखना है,
और ऐसा सीखना है कि आपकी गलती से कभी क्लाइंट का नुकसान ना हो। देश की जनता ने जब अपना सबसे प्यारा सितारा सुशांत सिंह राजपूत को खोया, तब इंसाफ के लिए सबकी निगाह टिकी थी उनके वकील विकास सिंह की ओर। विकास सिंह जहां एक आम आदमी के लिए वकालत करते हैं, तो वहीं देश के बड़े नाम भी जब कानूनी दाव पेच में फंसते हैं तो भरोसा विकास सिंह पर ही होता है। विकास सिंह ने देश के कानून का वो चेहरा दुनिया को दिखाया जिसे देखकर गुनहगार भी कांप गए। सुशांत के पिता जब मेरे पास आए थे तो उनको बॉम्बे पुलिस से जस्टिस कोई उनको उम्मीद नहीं थी मिलने की। उनको जस्टिस कैसे मिले इसकी हमने टिप्पणी की और करके फाइनली पटना में रजिस्टर एफआईआर दर्ज कराया और एफआईआर दर्ज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया। तो लक्ष्य ये था कि उनको एक केस सही दर्ज हो, सही दिशा में उसका इन्वेस्टिगेशन हो। अब अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ उसका नहीं निकल पाया है, वो अलग बात है, लेकिन जो हमने जो अपनी तो प्रयास की वो ये प्रयास की कि एक किसी को जस्टिस दिलाना है और उसको इंश्योर करना है कि जस्टिस मिले। कोर्ट में विकास सिंह ने कड़ी मेहनत के साथ कोई समझौता नहीं किया, लेकिन घर पर उनका सहारा बना उनका परिवार। मेरी पत्नी ने अपने पिता से कहा था कि मेरे को वकील और डॉक्टर छोड़ के किसी से भी शादी कराइए। तो मेरी शादी हुई स्टील अथॉरिटी के नौकरी की वजह से। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन लिया और यहाँ आके प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो पूरा साथ दिया। मतलब ऐसा कई बार हुआ है कि बच्चों को हॉस्पिटल वो अकेले लेके गई हैं, खुद भी उनका एक बार छोटा मोटा ऑपरेशन था, मैं कोर्ट जाने के समय उनको हॉस्पिटल छोड़ के चला गया, लौटती में कोर्ट से लौटते समय उनको पिकअप किया। तो वो जो फैमिली का एक सपोर्ट रहा हमेशा से, और पिताजी भी हमेशा ये कहते थे कि जिसके लिए कमा रहे हो कहीं वही ना छूट जाए तुमसे, तो इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट बैलेंस मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टचवुड, वो हर लॉयर को ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है, फैमिली भी, अपने प्रोफेशन भी, अपना सोशल सर्कल भी, तो सबको ले करके साथ चलने में ही एक जिंदगी का एक मजा है। दो बेटों के पिता विकास सिंह की रुचि स्पोर्ट्स में भी खूब रही। सवाल किया कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी हॉबी कैसे संभालते हैं, तो विकास सिंह का जवाब कुछ ये था। को जिस चीज में रुचि है उसके लिए टाइम निकल जाता है, जिसको म्यूजिक में रुचि है उसके लिए निकाल लेता है, मेरे को स्पोर्ट्स में रुचि है उसमें निकाल लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने कई ऐसे काम किए जो इन्हें वकीलों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। जब लास्ट ईयर कोविड से हमारे वकीलों को काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने लोगों से, वकीलों से कहा पैसा देने के लिए, मैंने खुद 50 लाख दिया और उस 50 लाख देने के वजह से सब लोग बढ़ के आए धीरे धीरे करके, वो 6 करोड़ करीब जमा किया हमने और 6 करोड़ बांटा वकीलों को, और वर्चुअली उस 6 करोड़ से कई वकीलों का घर चला, जो साल भर उनको बिल्कुल काम नहीं था, उनको जो पैसा हमने दिया उनका जो घर के छोटे मोटे खर्चे थे उसको उन्होंने मीट किया और उनका एक पूरा साल बच गया उनका। विकास सिंह आज के लॉयर्स के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। लॉ स्ट्रीट भारत विकास सिंह की मेहनत और लगन को सलाम करता है।